अस्सलाम वालेकुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताएं कैसा मौसम चल रहा है आप थके हुए लग रहे हैं लेकिन हम फिर भी कभी मैं कभी तुम के एक गुफ्त करने के लिए दोबारा से आए हैं यस मैं बहुत थका हुआ था इसमें कोई शक नहीं है लेकिन वही कंसिस्टेंसी को पूरा करने के लिए मैंने कहा नहीं यार देयर इज नो पॉइंट ऑफ आउट और हम अपनी जो डिस्कशन है कंटिन्यू करेंगे और दो एपिसोड्स कौन सी हैं ये इस बार थर्टी एथ एंड थर्टी फर्स्ट आई थिंक अब मैं एक पॉइंट जो है मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा एक नहीं वैसे दो तीन इंस्टेंस हैं जो मुझे इन दो एपिसोड्स के अंदर फील हुए जो सबसे पहले वो आ रहा है कि जब रुबाब के ऊपर नताशा और अदील का जो अफेयर है वो खुलता है सो वो एक जो फ्लैशबैक आता है रिगार्डिंग द ज्वेलरी ऑफ नताशा दैट वाज अ गुड एडिशन वरना आ, एक अजम्पशन की बेस पे भी हो सकता था कि अच्छा यार अक्सर में, में देखा यार इवन बॉलीवुड मूवीज में होता है अच्छा शर्ट में से हस्बैंड के अ, लिपस्टिक के निशान या परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है सो so, इस तरह होता है बट ये वो अच्छा एग्जीक्यूट किया है दूसरा आई वाज आल्सो वंडरिंग मैंने कहा यार इस सारे एपिसोड के अंदर घर पे किया सब कुछ हो गया

एज ए वीवर हम चाह रहे होते हैं कि कोई भी बात हो रही होती है ड्रामे में तो हमें उलझन होती है अच्छा इसको कंटिन्यूटी में क्यों नहीं दिखाया है या इसका कंटिन्यूएशन क्यों नहीं किया ओपन एंडेड चीज छोड़ दी है uh, तो ये अच्छा किया और uh, इससे सैटिस्फैक्शन मिलती है ऑडियंस को विच इज ग्रेट आई लाइक टू टॉक अबाउट बेसिकली जो मेन एक टॉपिक uh, चल रहा है और इस पर बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपस में दोस्तों में बातें हो रही हैं यू नो Uh, people are writing about it. Household discussion is on. very briefly, I will try to about uh, Sharjina and Mustafa's uh, marriage and their relationship in the last few episodes. I will not that. You were saying something. Bolon. Yes, I say. Uh, let me make things easier for you. I will ask you a question. Okay. And is Mustafa a toxic man? शादी और नो शादी ये, thing, के को एक बात कम्युनिकेट करने में थोड़ा वक्त लगता है, um, whereas females जो होती है वो अपनी एक्सप्रेशन में वो ज्यादा वोकल होती है बात अपनी तरीके से बता सकती हैं तो ना मैं मुस्तफ़ा सॉरी ना मैं मुस्तफ़ा को टॉक्सिक कहूँगी ना मैं शर्जीना को अनोईंग कहूँगी um, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों अपनी जगहों पे सही हैं um, शर्जीना इज इन लव विद मुस्तफ़ा एंड शर्जीना इज गोइंग थ्रू अ प्रेगनेंसी उसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं हार्मोनल आपको चेंजेस होते हैं आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं शी इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड विद दिस होल न्यू सेटअप एंड विद दिस मुस्तफ़ी एंड मैनी मुस्तफ़ा ने पहले ही एक बात कही थी जो कि वो मुसलसल कह रहा है कि मुझे अपनी फैमिली को प्रूफ करके देना है फैमिली नहीं बोले वो मुझे लोगों को प्रूफ करके देना है कि मैं कर सकता हूं मैं केपेबल हूं और मैं करके दिखाना चाहता हूँ उसकी जिंदगी का मकसद बन गया ये भाई आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी ने आपको बेज्जत किया हो आपके करीबी लोगों में आ, कोई भी अनोन फ्रेंड फैमिली एनी और कोई आपको बेजत करे और आप कहें कि मैं इसको करके दिखाऊं एंड आई विलू टू दैट पर्सन इफ नॉट टू दैट पर्सन टू माई सेल्फ दैट आई एम वर्थ डूंगल दीज थिंग एंड आई एम केपेबल ऑफ ऑल दैट थिंग ऑल दो थिंग्स तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ शर्जीना सही है वहाँ मुस्तफ़ा भी अपने तौर पर सही है हाँ कुछ चीज़ें शर्जीना आपको दिखाई है कि वो मास्टर्स कर रही थी अभी ठीक है तो मास्टर्स कर रही हैं वो एग्जीकटिव एम बी ए कर रही थी और वो एक ऑफिस में जॉब करती थी तो वो इतनी केपेबल तो होंगी कि उनकी दोस्तें होंगी कोई तो होगा जिसको फोन कर ऐसा कौन सा रिलेशनशिप uh, होता है जिसमें सिर्फ आप मियाँ के इर्द गिर्द रहते हैं अगर आपके हसबेंड mm. के आप इर्गिर्द रहेंगे तो आप जाहिर सी बातें डिप्रेस्ड हो जाएंगे आपकी जिंदगी में और कोई होगा ही नहीं दिस इज हाउ रिलेशनशिप इन लाइफ वर्क दिस इज वील आई वु वास्को इन on that.

वो जो सीन है जिसमें अदिल ने लेके जाना होता है को डेट नाइट के ऊपर मैंने बट और इमादर फानी और जो दोनों के एक्सप्रेशन है ना आई I मीन mean, दोनों ही मोक्रेसी दिखा रहे हैं उस सीन के अंदर और वो जो दिल में रख रहे हैं ना वो एक्स वो जबान से नहीं आ रहा एक्सप्रेशन से आ रहा है एंड डन सो ब्रिलियंटली बहुत आला था बहुत 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 अच्छा सीन था यार आई लव इट रोना धोना वो सीन्स अलग था लेकिन ये इस तरह के सीन्स ना एक नेक्स्ट लेवल होते हैं यार आई थिंक इट वाज द बेस्ट सीन बिटवीन अदील एंड रुबाब फॉर मी अदील एंड रुबाब मैं अदील को स्पेसिफिकली इस बात पे बात करूंगी पहले भी बोल चुकी हूं स्पॉट ऑन स्टाइलिंग आई थिंक ही इज द मोस्ट हैंडसम actor in our uh, country these days we were having a conversation at a uh, lunch table uh, and one of my uncle he said that you know he's the James Bond of Pakistan yes. he is amazing that's amazing so let's conclude the video So. Maa, video conclude want... karne se pa, I'd like to add a couple of things Um so, drama ki production design mein bada acha um, page pe जिस घर में शर्जीना और मुस्तफ़ा रह रहे हैं इफ़ यू टॉक टू एनी बडी हु इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर और एनी बडी नोज अबाउट आर्ट एंड डिज़ाइन इज़ डेफिनेटली लुकिंग इट आप वो स्पॉट देखें स्टेजेस देखें कैसे घर को चेंज किया है क्या क्या चीजें mm -hmm. उसमें ऐड हुई हैं वो टाइनी डिटेल्स कप प्लेटें कैसे प्लेटें चेंज हुई हैं कहाँ वो प्लेटें जुम्मा हफ्ता बाजार लेने गई थी आ, प्लास्टिक की प्लेटें और कहाँ वो प्ले, प्लेट्स जो हैं वो अब चेंज हो चुकी हैं सिरामिक की प्लेटों तो ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाई हैं आई लाइक टू नो हु प्रोडक्शन डिजाइनर इज पॉइंट आई वॉन्ट टू एट आई वॉन्ट टू एट दिस अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो सवाल ये है कि आप बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर चाहिए मुझे डू यू लाइक द न्यू सॉन्ग नो प्लीज आस्क मी टू गेट इट आई लास्क माई सेल्फ आई लव इट ओके okay. मुझे ये न्यू सॉन्ग यार मैंने शायद सुना नहीं अभी पूरी तरह से गौर से लेकिन exactly. भी ऐसे लोगों ने बोल लोगों ने पूछा भी वो के आर की क्यों कर दे फिर वो जर्जी से जाएं उनका आया क्या कि हमारे पास तो पूरी वी हैव एन एल्बम फॉर द ओएसटीज ऑफ कभी मैं कभी तुम तो. सो दैट इज फाइन वैसे दिस इज अ गुड थिंग कि ड्रामे के स्टेज के साथ उसका ओएसटी तो चेंज करना इट्स इट्स अ गुड थिंग लेकिन वो मुझे मुझे थोड़ा सा सैड सा लगता है मतलब मैंने सुना will, भी I, नहीं। मैं मैं चाहूंगी कि आप इस सेशन के बाद जाएं और uh, गाना सुनें क्योंकि मैंने ये गाना आज सुना है और पूरा सुना okay. है। और ज़िशान अली इज द सिंगर क्या खूबसूरत आवाज है क्या गाना है यू हैव टू लिसन टू इट एंड नाउ ऑन दिस सॉन्ग we are going to end our conversation and aap jayega gaana sunne ka lekin ha 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 bilkul gaana dekhunga aur mujhe bataye ki aap next video kab karenge maine ends aapse sunne ki aap end edit kare kaunsa end kab karenge drama ki ending jo hai ha drama ki ending i think next video hum karte hain jab dono episodes khatam ho jayengi which जाएंगी will जाएंगी be 32 ना? and 33 episode और

सब्सक्राइब करें चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज इस पे कमेंट जरूर करिए गाइस वीडियो पे हमने बहुत बातें की हैं जो कि किसी को पसंद शायद ना आए ओके अल्लाह हाफिज़